अरे सुषमा, तूने मेरे बेटे को देखा? कहाँ गया? अरे आपको तो मैं उसी टाइम बोली ना कि इतना डांटा मत कीजिए, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन आप तो समझते नहीं हो। अरे देख समझ के डांटा कीजिए, जवान है बेटा। अरे तुम तो सिर्फ दूसरे दूसरे सोच लगाती हो। अरे डांटूंगा नहीं तो फिर वो बिगड़ जाएगा। देखा नहीं तुमने, मन मर्जी करने लग गया है। बड़ा हो गया तो क्या मुझसे पूछेगा नहीं? मैंने उसे किसी चीज में रोका नहीं। चलिए हम दोनों मिलके खोजते हैं। आजकल के लड़कों को तो कुछ बोलना भी गलत हो जाता है। जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, सब मनमानी करते हैं, और कुछ बोलो तो बस उठा के जवाब भी दे देते हैं और गुस्से से कहीं चले जाते हैं। और उसे ढूंढते रहो बूढ़ा बाप, उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया होगा मेरा बेटा? मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी है, मैं क्या करूँ? अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहाँ कहनी ढूंढा? बताओ तुम यहाँ अकेले में आके बैठे हो क्यों? मुझे तुम्हें डांटने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है बाप होने के नाते। मैंने तुम्हें गलत ही क्या कहा? अरे मुझे तुम्हारी चिंता होती है ना, तभी मैं तुम्हें डांटता हूँ। देखो तुम्हारा माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रो के उसका बुरा हाल है। अब चुपचाप से अपने घर चलो। अगर थोड़ा सा भी अपना मम्मा से प्यार करते हो तो क्या उसने तुम्हें इसी दिन के लिए जन्म दिया है कि इस तरह से तुम उसके दिल दुखाओ, उसे रुलाओ? यही संस्कार दिए हैं उन्होंने? सॉरी पापा, मुझे आप दोनों को दुखी करने का कोई इरादा नहीं था, बस आपने हमारे सारे दोस्तों के सामने मुझे डांट दिया, सभी लोग हंसने लगे, इसीलिए मुझे बुरा लगा। चलिए मैं घर चलता हूँ।